अब ये क्लास 8 का एक क्वेश्चन आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप बताएंगे सभी बच्चे धीरे धीरे, जिससे पूछता जाऊंगा वो रूल बताता जाएगा। सबसे पहले मुझे मौलिक बताएगा 3 की पावर -1 को और क्या लिखा जा सकता है। 1/3, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपने कौन सा रूल यूज किया? a की पावर -m। हाँ, a की पावर -m जो होता है वो 1/a की पावर m होता है। तो अब मुझे बताएगा निर्भय 2 की पावर -1 को, 1/2 की 1। कंप्लीट की कौन सी पावर है? -2। ठीक है, अब लक्षिता बताएगी एलसीएम कितना आएगा बेटा। 3 और 2 का LCM 6 आया, बहुत ही बढ़िया। पावर -2 भूलना मत। 3 को परी बताओ, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 आए 2 से, तो न्यूमरेटर को भी 2 से। हाँ जी खुशहाल, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 आए 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से। हाँ जी 2 + 3 5 हो गया। हाँ जी केशव, 5/6 की पावर -2 हो गया बेटा। अब आप बताओ तेजस, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, कौन सा रूल लगा रहे हो आप? दोनों का या इसी का ही रेसिप्रोकल? 5/6 का उल्टा करके लिख देंगे रेसिप्रोकल, तो +2। तो यहां पे हमने कौन सा रूल लगाया? a/b की पावर -n। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी बताओ भाई मनन, 36। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? पार्थ, कितने बच्चों का 36/25 खुद से आंसर आया? बहुत बच्चों का आ गया, समझ समझ भी आ गया सबको, बोलो।